नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो में हम ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से छुटकारा पाने का सबसे इजी वे जानेंगे। आपकी भी स्किन मेरी तरह ऑयली है ना, तो आपको भी पक्का से होते होंगे। क्या होता है जब हमारी स्किन एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है एंड जब वो ऑयल पॉल्यूशन एंड डर्ट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसे ही हम ब्लैक हेड्स बोल देते हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए इन्हें हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुश्किल नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे। सो गाइस, पहला स्टेप है फेस वॉश, बिकॉज फेस का क्लीन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी फेस वॉश हो आप वही यूज कर सकते हैं। सो फेस मैंने अभी अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो की है फेस स्टीमिंग। सो गाइस, मैंने अभी उबला हुआ पानी लिया है एंड ये बहुत ही ज्यादा भी हॉट है, एंड मैं एक ऐसा ही छोटा वाला कपड़ा लूंगी, एक हैंकी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा है। आपके पास कोई भी टॉवल हो, कुछ भी हो, बहुत ही आपको एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है एंड देन उसको हॉट वाटर में डुबाने के बाद अपनी नोज पे लगाना है। इससे क्या होगा, जो पोर्स है वो खुल जाएंगे एंड खुलने के बाद जो ब्लैक हेड्स है उन्हें निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे 4 से 5 बार कीजिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने फेस को जला ना ले। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लूंगी ब्लैक हेड्स स्ट्रिप। ये मैंने अमेजोन से ली थी, आपको ये किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे बड़ी इजीली मिल जाएगी, 20 की एक मिल जाती है शायद, एंड आपको यही लेनी हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे भी जाके ले सकते हैं। सो गाइस, पहले मुझे अपनी नोज को वेट कर लेना है एंड देन उसके बाद मैं इसे लगाऊंगी। ये कुछ ऐसी सी दिखाई देती है, सो मुझे 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। ये लगाने के बाद ना बहुत ही ज्यादा ठंडा ठंडा सा फील होता है, बहुत ही ज्यादा ना गुदगुदी सी होती है। हाँ, एंड मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा फनी दिखाई देती हूँ, एंड आज तो मैं यूट्यूब पे बैठी हूँ ऐसे कोई नहीं चलता इतना तो। सो अभी मैं आपसे 10 मिनट की बाद मिलती हूँ। सो गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, चलो अब इसे हटा देते हैं। इसे हटाना ना थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, क्या बताऊँ। पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, बट देखो कितने सारे निकले यार। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। ये वाला स्क्रब लूंगी एंड इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लूंगी। सो गाइस, इससे क्या होगा, जो भी बच्चे कुछ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होंगे ना, वो भी बड़ी इजीली निकल जाएंगे। मुझे ज्यादा ब्लैक हेड्स तो नहीं होते, बट हाँ व्हाइट हेड्स होते हैं। तो अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लूंगी। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से अपना फेस वॉश करके आती हूँ। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इजी सा है। अब हमें ये आइस क्यूब लेनी है एंड अब मैं इससे अच्छे से अपनी नोज के ऊपर मसाज कर लूंगी। इससे क्या होगा, जो पोर्स ओपन हुए थे अब वो अच्छे से बंद हो जाएंगे। किस्मत भी देखो, बस एक ही बची हुई है।
मैं ना हमेशा इसे अपने फेस पे भी रब करती हूँ। इससे क्या होता है, जो मेरे एक्ने हैं वो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं एंड इसके बाद ना स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाती है। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं थोड़ा सा गुलाब जल लूंगी एंड इसे अपनी नोज पे अच्छे से लगा लूंगी। सो गाइज, अब लास्ट स्टेप में मैं ये एलोवेरा जेल लूंगी एंड इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से अपनी नोज पे मसाज कर लूंगी। बस गाइस, बहुत ही छोटी छोटी से यही स्टेप्स थे, ज्यादा से ज्यादा आपको इनमें 20 मिनट लग जाएंगी। आप ऐसा 2 हफ्ते में एक बार कीजिए, काफी है, इससे आपकी नोज एकदम क्लीन हो जाएगी। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक दे देना एंड मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, ना आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज आपसे मिस हो जाने वाली है। बाकी मैं मिलती आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव। बाय।